प्राची के कॉली हाउस से सामान लेकर जाते वक्त मिलेगा प्राची को सेड, और सेड की हो गई वापसी, और ले आया सेड रिया के पेट में अपने बच्चे की असली सच्चाई, और प्राची को होगा रणबीर पर भरोसा ना करने का अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची स्ट्रेस के मारे अपने और रिया के पेट में बच्चे के बारे में सोच रही होगी और सोचेगी कि अब यहाँ पर उसका कोई नहीं है और उसे अपने बच्चे के लिए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ से अपनी बहन रिया के लिए उसे दूर चले जाना चाहिए, तभी प्राची अपना सारा सामान पैक करके किसी को पता ना चले ऐसे आधी रात को घर के बाहर जाएगी। उसी वक्त और किसी के नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर सेड की वापसी होगी और सेड को अचानक से आधी रात को रणबीर के दरवाजे के बाहर देख प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची सेड को कहेगी तुम यहाँ पर, तब सेड कहेगा हाँ प्राची मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे और रणबीर के लिए आया हूँ और मुझे अभी सब पता है कि तुम्हारे और रणबीर के बीच कैसी सिचुएशन है और रिया ने रणबीर पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया है, लेकिन प्राची तुम फिक्र मत करो मैं आया हूँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब यह सुनकर प्राची अचानक से रोते हुए सिड को गले लगा लेगी, लेकिन प्राची सिड को कहेगी कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तब सिड कहेगा मुझे शाना ने फोन किया था और फोन पर मुझे कहा था कि प्राची पूरी तरह से टूट गई है और अकेली हो गई है और रिया रणबीर से प्रेग्नेंट है और रिया के पेट में रणबीर का बच्चा पल रहा है। ये सब कुछ शाना ने मुझे कल ही फोन पर कहा था जिस वजह से मेरे होश ही उड़ गए। और खुलासा करते हुए प्राची को कहेगा कि प्राची मैं डेफिनेटली 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि जो रिया के पेट में बच्चा है वो रणबीर का हो ही नहीं सकता। तब यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्राची तभी हुई आवाज में कहेगी तो किसका हो सकता है। तभी सिद्धार्थ कहेगा वो बच्चा मेरा है और मैं इसी वजह से अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आया हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे और रणबीर के रिश्ते को भी बचाने के लिए आया हूँ और मैं पूरी तरह से साबित कर सकता हूँ कि रिया के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची को मन ही मन रणबीर पर शक करने का और रणबीर से दूरी बनाने का अपने किए का एहसास होगा। लेकिन जब सुबह होगी और अचानक से घर में सुबह पल्लवी, विक्रम, दीदा, रिया एंड आलिया सिद्धार्थ को देखेंगे तभी सबके होश उड़ जाएंगे और सिद्धार्थ कहीं रिया के बारे में सबको सारी सच्चाई ना बता दे। इसके लिए रिया सिद्धार्थ को गुस्से से कहेगी कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुम यहाँ पर किस हक से आए हो। तब यह सुनकर सेठ कहेगा मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है। तभी पल्लवी कहेगी मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी नापाक मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना और मैंने तुम्हारी तिलांजलि भी कर दी थी, भूल गई क्या सिद्धार्थ उस दिन को। तब यह सुनकर सिद्धार्थ कहेगा हाँ माँ मैं एक भी दिन को भूला नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि इस घर में सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है इसलिए सब कुछ इस घर में मैं ठीक करने के लिए वापस आया हूँ। तब यह सुनकर पल्लवी कहेगी क्या उल्टा हो रहा है, सब कुछ इस घर में सही चल रहा है। तब इसे खुलासा करते हुए कहेगा कुछ भी सही नहीं चल रहा, रिया जो अपने पेट में रणबीर का बच्चा बता रही है वो असल में रणबीर का बच्चा है ही नहीं, वो मेरा बच्चा है, रिया के पेट में मेरा अंश पल रहा है और प्राची के पेट में रणबीर का अंश पल रहा है, चाहिए तो इसे मेडिकल रिपोर्ट के साथ मैं साबित कर सकता हूँ। तब यह सुनकर रणबीर, विक्रम, दीदा सबके होश उड़ जाएंगे और रिया मन ही मन डर जाएगी। लेकिन अब रिया की असली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए सेड की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं और प्राची के लिए प्राची का दोस्त अब सेड को वापस आना चाहिए क्या नहीं, और आप रणबीर प्राची को पहले की तरह एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।